आपके पास वीवो X90, X90 प्रो कोई भी फ़ोन है, तो यहाँ पे आप किसी भी फ़ोटो को कैसे हाइड कर सकते हैं, गैलरी से कैसे शो कर सकते हैं, अगर यहाँ पे हाइड कर रखा है और शो करने में दिक्कत आ रही है तो कैसे उसको फिक्स कर सकते हैं। तो इसके लिए जब आप एल्बम खोलते हैं ना, तो यहाँ पे आप कोई भी फ़ोटो को हाइड करनी है तो आप थ्री डॉट पे जाएंगे, हाइड का ऑप्शन है, हाइड पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे आपसे बोलता है कि एंटर योर प्राइवेसी पासवर्ड, मतलब आप अपना कोई भी पासवर्ड सेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है सेट पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड ऑप्शन पे जाके ना आप चेंज कर सकते हैं, मतलब आप चाहो इसको 4 डिजिट का करना है या पैटर्न सेट करना है तो पैटर्न भी सेट कर सकते हो। मैंने पैटर्न सेलेक्ट कर लिया है, अपनी मर्जी का कोई भी एक पैटर्न आप ड्रॉ कर देंगे, दोबारा से ड्रॉ करेंगे वेरीफाई करने के लिए। अगर यहाँ पे कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने सेट करना है तो कर लेंगे, इसका आंसर सेट कर लेंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई सा भी हो, आंसर मेरा सेम रहेगा जो मेरे माइंड में रहता है, ताकि कल को अगर मैं ये लॉक भूल जाऊं तो मैं रिकवर कर सकूं इजीली इसको, कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा और ये रिकवरी हो जाएगी आपकी, ठीक है। डन पे क्लिक कर देंगे, यानी कि लॉक टूट जाएगा और आपका कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा फ़ोन का, इसलिए ये लॉक सेट करना ज़रूरी होता है और सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर सेट करना ज़रूरी होता है। तो इसको मजाक में मत लेना, सिक्योरिटी क्वेश्चन के आंसर को। तो ये चीज़ें हो गई है, तो देख सकते हैं ये दोनों फोटो मेरी हाइड हो गई है, सॉरी ये तो अपनी एल्बम है ना, तो इसको हम हाइड कर देते हैं और अपना लॉक लगा देंगे, तो ये हाइड हो गई है। अब हमारे एल्बम में सिर्फ एक फ़ोटो बची है, ये रही एक फ़ोटो, बाकी फ़ोटो हाइड हो चुकी है। और हिडन फोटो को देखना है आप तो कैसे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे सेटिंग पे जाना है, हिडन का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कर लेंगे, अपना लॉक अभी जो हमने सेट किया है वो एंटर करेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे फोटो दिख जाएगी। अभी ये कल मैंने ना ये फोटो हाइड की थी, तो इस वजह से ये दो फोटो और दिखा रही है इसके अंदर। तो एक तो यहाँ से देख सकते हैं और दूसरा कहाँ से देख सकते हैं कि आप ये जो एल्बम है इसको टच करके रखेंगे, तो हो सकता है थोड़ा सा चेंजेस आ गया हो इसके अंदर, वरना ऐसे स्लाइड करने से भी आ जाता है, और या तो एल्बम को ऐसे टच करके रखोगे तो भी हाइड फोटो वीडियो दिख जाती है। तो यहाँ पे अभी नहीं आ रहा है, तो यहीं से आप देख सकते हैं, सिर्फ एक ही मेथड है इसको देखने का, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये जो लॉक हमने अभी सेट किया है, ये आपका अगर ऐप लॉक सेट है तो ये लॉक सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपना ऐप लॉक डालेंगे तो भी ये काम करता है, ठीक है, क्योंकि प्राइवेसी लॉक और ऐप लॉक दोनों सेम ही होता है। और इसके बाद एक चीज़ और कि आप यहाँ पे फोटो वीडियो वगैरह भी हाइड कर सकते हैं, फाइल वगैरह भी, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे सेफ फोल्डर का ऑप्शन है, इसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल ये सब आप हाइड कर सकते हैं, तो इसकी सेटिंग आप यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।